पांच राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने चार राज्यों में बंपर जीत हासिल की। कहीं पर सीटें बढ़ी तो कहीं पर कम भी हो गई। हालांकि ये जीत कैसे मिली, इस पर तो लोगों के मन में कई शंकाएं हैं और विपक्ष बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा रहा है। लेकिन इस बंपर जीत के बावजूद बीजेपी के कई कद्दावर नेता इस विजय रथ पर सवार नहीं हो पाए। खासकर केशव प्रसाद मौर्य और पुष्कर सिंह धामी की हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे हार गए ये नेता। विधानसभा चुनावों के नतीजे तो बीजेपी के हक में आए, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी को करारे झटके भी लगे, जिनमें से कुछ सीटें तो हॉट सीट भी थी, जैसे उत्तर प्रदेश की सिराथू और उत्तराखंड की खटीमा सीट। ऐसा इसलिए क्योंकि सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में थे। इतना ही नहीं, इन दोनों सीटों को बीजेपी की मजबूत सीट भी माना जाता है, लेकिन नतीजे इसके उलट आए और दोनों ही नेताओं को विपक्ष के हाथों कड़ी शिकस्त मिली। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने तो वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने हरा दिया। हालांकि ये बीजेपी के लिए बड़े झटके हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को तो चुनाव से कुछ समय पहले ही सीएम बनाया गया था और कहीं ना कहीं वो ही उत्तराखंड में बीजेपी के सीएम फेस के उम्मीदवार भी थे। ऐसे में ये हार पचा पाना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन कई ऐसी सीटें जीतने वाली बीजेपी जहां पर उसके आने की दूर दराज तक उम्मीद भी नहीं थी, वो अपनी हॉट सीट नहीं बचा पाई। ऐसे में ये हार कई सवाल पैदा करती है। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि धामी के खिलाफ अपनों ने ही साजिश रची और भाजपा के साथ पार्टी के ही लोगों ने भीतर घात किया है। ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के कद्दावर नेताओं ने भी धामी के खिलाफ काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका एक कारण आलाकमान का सीएम के लिए धामी को चुनना भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जिन्हें छोड़कर धामी को सीएम बनाया गया, जिससे पार्टी में अंदर खाने विवाद शुरू हो गया था। वहीं अगर बात करें सिराथू सीट से उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य की, तो इनकी हार के पीछे भी बीजेपी के अंदर चल रही कलह को ही कारण माना जा रहा है। अटकलें हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद चाहते थे, लेकिन यूपी में सीएम फेस का ऐलान पहले ही हो चुका था और योगी के चेहरे पर ही यूपी में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में योगी के अलावा कोई और सीएम बने, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी साफ है कि बीजेपी के दो बड़े चेहरे अपनों की ही साजिश का शिकार हो गए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।